वेलकम वंस अगेन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। और आपकी जो ये वीडियो है ये उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने ये कहा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में वीक हैं। अब वीक मतलब उनका कहने का मतलब है उनके वो स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, वो बाकी बच्चों की जो लर्निंग रेस है उसमें थोड़े से पीछे हैं। तो उन्हें हम कैसे बाकी बच्चों के साथ साथ में दौड़ा सकते हैं, किस तरीके से उन बच्चों को हम थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है कि उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, बाकियों से थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो बस उन्हें उस चलती ट्रेन में हमें चढ़ाना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुश्किल काम तो आपने खुद ही मतलब सॉल्व कर लिया है कि आपने उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग कर लिया, आपने चटाई कर ली कि ये बच्चे जो मेरे हैं वो थोड़ा सा धीमा सीखते हैं, यानी सीखते ज़रूर हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ सुझाव दूंगी जो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके काम आएंगे, क्योंकि मैंने इन्हें अपने साथ अप्लाई किया है। पहली चीज़ कि ऐसे बच्चों को अगर आपने सेग्रीगेट कर लिया है, अलग छांट लिया है, तो उनके साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो काम हमें पसंद नहीं होता ना, उस काम से हम जी चुराते हैं, बिल्कुल हमें उस काम को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको जो चीज़ खाने में बनानी नहीं आती, आप बचती हैं कि वो आपसे कोई बनाने के लिए या करने के लिए ना कहें। तो सेम बच्चों के साथ होता है कि बच्चे जो हैं वो उस काम को करने से थोड़ा सा बचते हैं, स्पेशली जिस सब्जेक्ट में वीक होते हैं उस सब्जेक्ट से बचते हैं, जिस टीचर से उन्हें डर लगता है उस टीचर से बचते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर है, तो उस बच्चे से थोड़ी सी इमोशनल बाउंडिंग जो है आपकी उसे स्ट्रांग कर लीजिए आप। और फिर देखिए कमाल, यानी जब आप इमोशनली बच्चे से अटैच्ड हो जाओगे ना, तो सब्जेक्ट से तो वो ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेगा, क्योंकि आपका बच्चा पहले आपसे प्यार करता होगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, चाहे बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे हो, दोनों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। दूसरी ज़रूरी बात कि अब आपने उसके साथ बना ली बॉन्डिंग बहुत बढ़िया सी, अब वो आपको फॉलो करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि वो स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो उसके धीरे धीरे सीखने वाले प्रोसेस को आप मोटिवेट करिए, उसे स्टार्टिंग में काम ही ऐसा दीजिए, क्योंकि अब यही है ना कि आप उसके फेवरेट टीचर कैसे बने, आप क्या करें कि उसे आप पसंद आने लगो, वो आपसे ज़्यादा प्यार करने लगे। तो उसके लिए आप उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पे, छोटी छोटी उपलब्धियों पे उसे मोटिवेट करिए, उसे अप्रिशिएट करिए, तब बच्चों को लगता है कि अरे मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ बढ़िया किया, ऐसा नहीं है मैं भी कुछ बहुत बढ़िया जो है वो सीख सकता हूँ। दूसरा काम जो कहते हैं मील का पत्थर, वो करते हैं पेरेंट्स इस चीज़ में रोल प्ले, कि आप बच्चे के पेरेंट्स से कांटेक्ट करिए। बिल्कुल ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के साथ आप डायरेक्ट एंड रेगुलर कांटेक्ट में होने चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन एंड एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप क्लास में ऐसा करेंगे कि भाई आपने उन बच्चों को बाकी बच्चों से ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, तो जो फास्ट लर्नर्स या फिर जो ग्रोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वाकई में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा करना होता है, उनके टाइम में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास में आप सारा टेंशन उन स्टूडेंट्स पे दे देंगे जिन्हें कम धीरे से समझ में आता है या जो स्लो लर्नर्स है, तो क्लास में तो आपको जस्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो आप करिए पेरेंट्स से जो कांटेक्ट है, अब आपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लिया, तो पेरेंट्स को आप ये चीज़ें समझाएं कि घर में जो उनका स्टडी टाइम टेबल है आप उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और साथ में उस जो आप पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व ज़रूर करें कि देखो ये चीज़ें हैं मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को समझाई हैं, इसके अलावा अगर पढ़ते हुए आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। यानी आप मुझे पूरे स्कूल टाइम में कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आपने घर पे आई आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चा जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है कि ये टीचर जो है हमेशा मेरे साथ खड़ा है, जो मुझे हारने किसी भी कीमत पे नहीं देगा। यानी और दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने लिए ना सही मेरे लिए मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर इस तरीके के वर्ड्स आप बच्चे से बोलते हैं ना, वाकई में ये चीज़ बच्चे की लाइफ चेंज कर देती है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकियों से थोड़ा धीरे सीखते हैं, उन्हें इस तरीके के सेटिंग प्लान में बिठाएं जो बच्चे थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उन बच्चों के साथ उनका सेटिंग प्लान चेंज कर दीजिए, उनके साथ उन्हें बिठा दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर जो है क्लास में कुछ नहीं समझ पा रहा है तो उसका जो बड़ी होता है वो उसकी हेल्प करता है। अब वो हेल्प कब करेगा, जब आपने अपनी क्लास का एटमोसफेयर, एक हेल्दी एटमोसफेयर बना रखा हो।
आपको क्लास में सिखाना होगा कि आप सब एक साथ चलोगे तभी रेस में जीतोगे। अगर एक भी पीछे रहा तो यानी ये फेलियर आप सबका फेलियर होगा। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की स्टोरीज आप क्लास में सुना सकते हैं, ये भी बहुत मैजिकल रोल प्ले करते हैं कि मत होता है। दूसरी बात कि वो जो बच्चा है, जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो धीरे सीखते हैं, उन बच्चों को आप अपने करीब बिठाएं, अपने पास बिठाएं। होता क्या है, जनरली क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं आगे बैठते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं वो पीछे बैठ जाते हैं। क्यों? वही जी चुराते हैं, डरते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसका उल्टा करना है, वो बच्चे आपके करीब हों। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको उन बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग तो एकदम स्ट्रांग करनी है कि वो झिझके ना। अगर उन्हें कोई चीज़ डाउटफुल लग रही है तो वो सीधा आपके पास आके उस चीज़ को पूछे। और आप भी, चाहे कोई भी स्थिति हो आपकी, आप हार्डली उस बच्चे के क्वेश्चंस को वेलकम करें, उन पर ध्यान दें। तो इस तरीके का काम करेंगे तो ये भी आपके बिल्कुल काम आएगा। क्योंकि आप, ठीक है, आप उसे कितना भी मोटिवेट कर रहे हो, उसके पेरेंट्स को आपने टाइम टेबल बना के दे दिया, आपने भी उस बच्चे को समझा दिया, बट उसका इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब वो चीज़ मज़ेदार होगी। तो अपने पढ़ाने के तरीकों, जो तरीका है उसे आप मज़ेदार बनाइए, उसे ऐसा बनाइए कि बच्चों को वो पसंद आए। मन से बच्चे पढ़ें, किसी बोझ से ना पढ़ें। तो पढ़ाने के जो तरीका है उसे और इंटरेस्टिंग बनाने की लगातार कोशिश करते रहिए, नए नए आयाम जो है उसमें आजमाते रहिए। यही थे मेरे कुछ सुझाव कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पक्का जो आपके बच्चे हैं वो आपका साथ देंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।